अस्सलामुअलैकुम, मैं सना मलिक और आप देख रहे हैं सरगोधा न्यूज। खबर शामिल करते हैं, ऑल पंजाब वाटर मैनेजमेंट एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन का एहतजाज। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये कैसा इंसाफ हो रहा है, मुलाजमत देने की वजह से छीनी जा रही है। मुलाजमीन का कहना है कि हम गुज़िश्ता 16 सालों से महकमा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजिम हैं, मुल्क और कौम की खातिर पानी का एक कतरा बचा रहे हैं, आखिर क्यों हमसे हमारा रोजगार छीना जा रहा है। जबकि आप सबके इल्म में है, पंजाब भर के पिप इप स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। महकमा की जानिब से स्टाफ को कौमी प्रोग्राम बराए इस्लाह खाला जात फेज टू में शिफ्ट करने की समरी अरसाल की गई थी, जो कि स्टैंडिंग कमेटी से होते हुए पंजाब काबीना कमेटी के पास पहुंची और अब वहां इसे एजेंडे में भी शामिल नहीं किया गया, जिससे पंजाब भर के तमाम स्टाफ के 16 साल कैरियर दाव पर लग चुके हैं। इन मुलाजमीन का कहना है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं शकील खान, ब्यूरो चीफ साईवाल, सरगोधा।